is here. Vaibhav bhai, hello, 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 welcome, welcome, Hey, welcome. I just got done with the month. Hi, man. Hi, everyone. Are we live? Yes, we are live and आज हमारे साथ है विदित गुजराती जो अभी हमारे साथ नहीं है पर जल्दी होंगे बट लेट मी जस्ट चेक इफ यू आर लाइव आई एवरी टाइम फक अप समथिंग दिस टाइम आई एम ऑन टाइम दोस्तों दिस टाइम आई हैव कम ऑन टाइम वेयर इज उपमन्यु बट उपमन्यु मस्ट बी मुठ मारा रहेगा अरे सॉरी सॉरी वन थिंग आई हैव टू आई फॉरगॉट ओह शिट वन थिंग आई फॉरगॉट टुडे आज हमको ये गाली नहीं दे सकते Then फिर मैं इधर क्यों आया अरे एक सेकंड भाई उपमन्यु को कॉल करो ना वैभव भाई ओके लेट मी जस्ट चेक इफ वी आर लाइव अंटिल देन अरे हम हजार लोग भी आ गए भाई ऑलमोस्ट हेलो 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 दोस्तों हेलो By the way, मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है आज शायद मेरे को पता नहीं है हुआ है कि नहीं अगर हुआ रहेगा तो पैसे भेजो तो मेरे को दिख जाएगा कि हाँ भाई हो गया भाई अबे यार उपमन्यु को कॉल तो कर रहा हूँ पर अभी 1.5 मिनट बाद होगा ना वो कोरोना वायरस वाला बोल रहा है अभी पता नहीं खत्म होगा तब तक शायद बात करने का मूड खत्म हो जाएगा मेरा क्लीन लाइफ क्या होता है दोस्तों आ गया 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 हां देखता है क्या रियोत्सु आ गया आ गया आ गया आ गया व्हाट्सअप 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 गान मार देंगे भाई भाई गाली नहीं देना है आज गाली नहीं देना है भाई अरे विदित की तरफ से रिक्वेस्ट आई है आज अबे हम क्या करें बच्चे की बातें हम नहीं अरे भाई वो हार गया तो आप ऊपर नहीं फिर तो गाली देना ठीक है हाँ हाँ अब तो देख वैसे भी देख हम टेस्ट में उतने गंदे नहीं जितना वो कॉमेडी में गंदा है अभी तो पता नहीं है भाई देखते हैं देखते हैं क्लीन कॉमेडी टुनाइट इज क्लीन कॉमेडी और एक रिक्वेस्ट आई है मतलब हम विदित की तरफ से उन्होंने कहा है कि वो हमारे साथ खेलेंगे एक शर्त है कि उनके पास सिर्फ 3 मिनट रहेंगे हमारे पास रहेगा 20 मिनट हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है बट इफ ही विंस नेक्स्ट गेम ही विल प्ले ही विल हैव ओनली 1 मिनट वी विल हैव अनलिमिटेड टाइम एंड इफ ही स्टिल विंस देन द नेक्स्ट गेम ही विल हैव ओनली 30 सेकंड्स क्या कहना है इस पे भाई इंडिया में नंबर 2 है भाई वो कैसे आ रहेगा वो तो हाँ अरे हम भी तो 4 हैं रुको एक सेकंड मेरे को बस एक चीज फिक्स करना भाई उसकी रेटिंग 2700 है भाई भाई हम चारों का मिला लेगा 6000 है भाई मेरा अकेला का 7000 तुम तीनों का मिला के -1000 कितने लोग आ चुके हैं हमारे पास अरे बाप रे बाप 3 लोग ने मेरे को पैसा दिया भाई भाई बिग फैन 100 रुपए दिया भाई अरे भाई 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 थैंक यू भाई 100 रुपए मैंने पहला कमाया ही मेरी भाई सुपर चैट की मजा आ गया भाई आज तो दोस्तों आज हम खेल रहे हैं विदित गुजराती के साथ पहली बात तो ये है एक सेकंड मेरे को बहुत आवाज आ रही है जो जब पैसे आ रहे हैं उसकी आवाज आ रही है दोस्तों एक सेकंड ऐसा ही होता है पैसों का भाई मजेदार जिंदगी है भाई ये तो कुछ किसने कुछ प्रिपरेशन किया है कुछ किया है दोस्तों मैंने बहुत तैयारी की है सच बताओ हेलो मैं अपने chess.com पे वही 1000 रेटिंग्स वाले सब खेल रहा हूँ सुबह से नहीं मैंने उसकी गेम देखी विदित की अच्छा विदित की गेम देखी आपने बहुत ही सही है यार
भाई 2750 रेटिंग है भाई, मेरे को लगता है अगर आनंद को हराया यार। हाँ रिसेंटली विश्वनाथन आनंद को हराया उसने, तो एक काम करते हैं मैं उसको बोलता हूँ आने के लिए, बट उससे पहले बस एक और रिक्वेस्ट है भाई, जो भी गाली देनी है विश्वा भाई अभी दे दो। मुझे कोई गाली नहीं देनी है। लड़े। बस भाई अब यहाँ नहीं भाई हम हाँ यहाँ यहाँ से क्लीन। अरे है मैंने गलती से फोटोशॉप खोल दिया भाई, एक सेकेंड क्या देंगे गुजराती गुजराती नहीं है वैसे वो ले इसी पे बेइज्जती करेंगे उसे। वाओ रियली ही इज फ्रॉम नाशिक, नाशिक से पोरगा है वो। एक तो लाइटें लगा दिए मैंने अभी, समय हम तेरे को नहीं देख पा रहे तो तेरे जोक्स को हम अज्यूम कर रहे कि फनी होएगा। अरे हाँ बिल्कुल भाई। तो दोस्तों आज चैट आ चुकी है 1.6K इज वाचिंग, थैंक यू सो मच हूएवर इज सेंडिंग मी मनी, प्लीज कीप सेंडिंग। और दोस्तों आज हमारा जो ओपोनेंट है लाइक यू नो इफ यू डोंट नो हिम ही इज विदित गुजराती, इंडियाज नंबर 2 प्लेयर। और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है हमारे स्ट्रीम में तो प्लीज लेट मी नो इन चैट, थैंक यू। तो देखो तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, उपमन्यु ओपनिंग खेलेगा ठीक है, मैं हर मूव को क्वेश्चन करूंगा, विश्वा कल्याण गाली नहीं देगा तो क्या करेगा पता नहीं, ब्लंडर्स बस ब्लंडर्स बचाने हमें। हाँ, सिली हाँ, ठीक है ठीक है भाई, ब्लंडर नहीं करेंगे, ध्यान से खेलेंगे, सोच समझ के खेलेंगे। तो हमारा स्ट्रेटेजी है ना कि हमको ब्लंडर करना है। नहीं भाई ब्लंडर नहीं करना भाई, कोई आया कोई आया, अरे विनीत भाई बाय 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 बाय। अरे विनीत नमस्ते नमस्ते, तुम लोग का स्ट्रीम देख रहा था अभी, सब स्ट्रेटेजी पता चल गया मुझे। अरे अरे विनीत भाई पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप आपका लैपटॉप इस थोड़ा ऑपोजिट साइड में रख दो ना, ताकि ऐसा लगेगा कि बोर्ड की तरफ देख रहे हो आप, अभी आप लेफ्ट में है तो राइट में कर दो। अच्छा विदित और ये साइड से देख रहा है तो विदित गाली नहीं देना विदित, क्या वो विदित गाली नहीं सुननी? नहीं नहीं उसको मैं बस बता रहा हूँ विदित गाली मत देना स्ट्रीम पे। ओ पता ही नहीं था मुझे, मत देना गाली, स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से। विदित भाई इज अ वेरी बिग फैन ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, मुझे ये लगा नहीं था कि चेस के इतने बड़े प्लेयर्स को इतने ये सब टाइम मिलता होगा जिंदगी जीने के लिए, मेरे को लगा था इनकी जिंदगी वही है कि भाई चेस खेलो फिर अंगुंग आई डोंट नो डू सम क्रेजी शिट, बट विदित नहीं मैं देखता हूं ये उल्टा होता है भाई, लोग चेस कम खेलते हैं स्टैंड अप ज्यादा देखते हैं। विदित भाई आपने क्या प्रिपरेशन किया हमारे साथ खेलने के लिए आज? मैं तो सारे स्टैंड अप्स देख लिए, यू नो अनएक्सपेक्टेड पंचेस नहीं चाहिए थे मुझे, और मैं सबका सोशल मीडिया देखा पर मुझे बिस्वा का समझ में ही नहीं आया बिल्कुल भी। क्या मतलब क्यों? आज मंडे कल ट्यूसडे परसों वेडनेसडे। भाई तुम लोग को शायद नहीं मालूम मोदी जी ने आज मेरे को स्पेशल थैंक्स दिया अपने स्पीच में, ठीक है मोदी जी ने मेरा नाम लेके बोला है विश्व कल्याण के लिए, यंग साइंटिस्ट सब आ गया हो ठीक है, सो लेट्स नॉट इवन गो देयर ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, पता है लॉकडाउन के टाइम खुला रहता है। मैंने विदित को रीच आउट किया था दोस्तों इंस्टाग्राम पे, मैंने उसको कहा था कि भाई नहीं एक्चुअली विदित का एक रिप्लाई आया था फिर उपन्यु के पोस्ट पे जब हमने अकेडमीटर को हराया था, हमने अकेडमीटर को हराया था दोस्तों, हमने अकेडमीटर को बुरी तरह हराया था, तो उसके बाद उपन्यु जी ने हमने अकेडमीटर को हराया था क्या? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, हमने अकेडमीटर को हराया था अच्छा ठीक है, और उसके बाद हरा दिया था हमने, बहुत हमने एकदम मतलब बेइज्जती कर दी थी उसकी, भाई गाली नहीं देना बहुत टफ है भाई। तो उसके बाद विदित का रिप्लाई आया था उसपे कि अगली बार हम भी खेलेंगे, तो मैंने उनको इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया और उन्होंने कॉमिकस्तान देखा है, भाई क्या बात कर रहे हो, समझ रहे हो आप, कॉमिकस्तान देख लिया। अरे यार पूरा देख लिया क्यों? तो विदित गुजराती एक तो मैंने आपके बहुत सारे गेम्स देखी, विदित गुजराती हैज बीन द यंगेस्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एट एनी पॉइंट ठीक है, यंगेस्ट पर्सन टू अचीव द टाइटल सो फास्ट इन आवर कंट्री, इज दैट ट्रू विदित गुजराती? कौन सा टाइटल? अपना जीएम टाइटल? नहीं नहीं मेरे से भी यंग हो चुका है। अब हो चुका है, यू वर लाइक 15 इयर्स ओल्ड व्हेन यू डिड इट। अबे ये फैक्ट है या तू बेइज्जती कर रहा था? मैंने 18 ओ यू आर 18 तो मेरा पहला ही फैक्ट गलत हो गया है। कम पड़ गया
बट सेकंड मेरा गलत नहीं है, आपने विश्वनाथन आनंद को पहली बार अपने करियर में हराया रिसेंटली इन द टाटा स्टील चैंपियनशिप, कैसा लगा भाई? देखा मैच? यस यस भाई, विश्वनाथन आनंद को हरा दिया भाई, समझ रहे हो भाई क्या बंदे के साथ खेल रहे हैं हम लोग भाई? ओह माय गॉड, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थ्रिल्ड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई हैव बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ। विदित ने आनंद को हराने के बाद क्वालिफाई किया हमारे साथ खेलने के लिए, क्या बोलते हो भाई? एग्जैक्टली, हम कुछ ज्यादा ही उछल रहे ना गाइस आज। अरे पता है विदित में वो अपनापन है भाई। By the way, विदित का दूसरा मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच इज कार्लसन वाला, आई थिंक ही ड्रू विद कार्लसन। अरे shortest draw I think ever. The Carlson's shortest game in his entire life was played against Vidit. जब क्या हुआ बताता हूँ, यू डोंट, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड, देयर वाज सम इनसेन थिंग हैपेंड। कार्लसन ने दो तीन मूव खेले, विदित ने दो तीन मूव खेले, एंड देन कार्लसन जस्ट ऑफर्ड अ ड्रॉ क्योंकि उसका पेट खराब था, क्योंकि कोलकाता में किसी चूतिए ने उसको वो खिला दिया रहेगा दूध कोला। इज दैट नॉट ट्रू? Yeah, did he actually tell you that thoda pet kharab lag raha hai, like you know that I'm not feeling well, or like did he just offer any offer, like what exactly happened there? He usne mujhe draw pucha to mujhe hansi aa gayi board pe ki paanch move mein kyun puch raha hai, bola this is the golden moment for lo accept. Oh shit, you didn't ask for anything. Ye bola usne kya? उसने बोला दिस इज द गोल्डन मोमेंट एक्सेप्ट द ड्रॉ? नहीं नहीं, मैंने खुद को बोला। वो क्यों बोलता भाई? नहीं मतलब मैंने उससे ड्रॉ किया है पहले, पर वो 6 घंटे चला था, अभी 5 मिनट में हो रहा था, तो कर लो। सही बात है, 5 घंटे 55 मिनट बचाओ। अच्छा बता के पहुंच गया विदित। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है विदित के बारे में, आई सॉ हिज मैच अगेंस्ट नाकामुरा, हिकारू नाकामुरा। अरे यार और उसमें विदित ने एक ऐसी मतलब ब्यूटीफुल मूव खेली है व्हिच हैज नेवर बीन प्लेड इन चेस हिस्ट्री बिफोर। विदित ने नाकामुरा के किंग को अपने किंग से चेक दे दिया। I was preparing for this match, you know. It was an illegal move. फिर हिकारू ऐसे देखा 2 सेकंड के लिए, क्या हुआ है ये, मैंने कभी नहीं देखा है, लाइक इज दिस इंस्पायर्ड फ्रॉम अभिष मैथ्यू और व्हाट? मैंने उसका पता वो गेम अभी चैनल पे, हां अभिष का क्वार्टर फाइनल का मैच देखा था मैंने। थैंक यू, अभिष वर्सेस यहां बूट वाला हां, फिर मुझे लगा कि आना ही पड़ेगा, यू नो लेवल बहुत गिर गया। एक सेकंड, थैंक यू सो मच प्रीति एंड एवरीवन। दोस्तों मैं सबको शाउट आउट दूंगा, बट थिंग इज अभी बहुत लोगों को मैं दे नहीं पा रहा। विदित तेरा रेटिंग कितना है? तुम लोग से कम है, कंबाइंड रेटिंग से कम है। नहीं नहीं, 2750 ऐसा कुछ है ना? हां 2726 ऐसा कुछ। अभिष का 2777 व्हाट्स द जोक? अरे वो बहुत गंदा खेलता है भाई। बहुत बहुत। एनीवे लेट्स क्विकली स्टार्ट द बकचोदी। द फर्स्ट थिंग वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर विदित, बिकॉज़ विदित के पास एक स्किल है जो कि उसकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो कोई भी गेम देख के उसको दिखा दो, कोई भी फेमस गेम, एंड ही विल टेल यू ये किसने खेली है, किसके साथ खेली है और कब खेली है। ठीक है, अबे ये टेस्ट भी होने वाला था। हां ये टेस्ट होने वाला है विदित। तो मैंने 4 या 5 मूव गेम की एक पोजीशन की एक फोटो बनाई है, and that I'll show you right now, and you have to tell us कौन सी match, कौन सी position क्या? दिख नहीं रही है वैसे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक second, फटाफट। one second, तब तक आप बात कर सकते हो मतलब? अभी ये बात बता, favorite player कौन है आज तक का apart from आनंद? मुझे पूछ रहे? हाँ। कस्पर? उसका कल ही बर्थडे। वाह 57 उसकी मास्टर। और एक फन फैक्ट बोलता हूं, मेरा नाम पहले विदित नहीं था, मेरा पहले नाम वैभव था। फिर से बदल जाएंगे ऐसे अच्छा नाम पे से। नहीं फिर तुम तेरा स्टैंड अप देख लिया, आपका स्टैंड अप आया था ना। चेंज कर दे।
नेम्स वाला। अरे भाई ने भाई ने सबके स्टैंड अप देखे भाई, मतलब समझ रहे हो भाई, इतना टाइम कहां से भाई, चेस में 2700 इसलिए आप 2800 नहीं पहुंच रहे। गाइस 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 एक सेकंड, किसी का YouTube खुला है क्या? साइट तो बहुत इको आ रहा है। हां बहुत आ रहा है, बहुत इको आ रहा है। किसका खुला है ना, किसका खुला है अब? हेलो अब सही है सब? बहुत बेटर हो गया, बहुत ही ज्यादा बेटर। सो सॉरी सो सॉरी, मेरा तो नहीं खुला था ना, तो मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों बाकी सब अपने माइक ऑफ कर दें, सिर्फ विदित गुजराती की माइक ऑन रहेगी, और क्योंकि हमारा जो स्लाइड है वो हम दिखाएंगे अभी उनको। तो आपको हमारी स्लाइड दिख रही होगी विदित गुजराती, आपकी पहली स्लाइड है ये, क्या आपको दिख रही है ये स्लाइड? नहीं दिख रही। देखिए आपके जो गूगल हैंगआउट में देखिए, अभीश मिश्रा, राइट राइट, हां देखा देखा, दिख रही है, दिख रही है मुझे। मूव पता है क्वीन बी 8 क्वीन, एक सेकंड एक सेकंड, मूव क्या है? क्वीन बी 8 क्वीन बी 8 दैट्स द करेक्ट मूव, बट डू यू नो व्हिच गेम दिस वाज? मॉर्फी का रहेगा। यस फॉर मॉर्फी का गेम है भाई 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 भाई, क्या पहचान है। दिस इज, दिस गेम वाज प्लेड इन 1858, पॉल मॉर्फी वर्सेस ड्यूक ऑफ ब्रंसविक। दिस आई डोंट नो इफ आई गॉट हिज नेम राइट, बट दिस गेम इज आल्सो नोन एज नाइट एट द ओपेरा। ये मैंने एकेडमी की गेम देखी थी। बेहतरीन 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 आंसर, व्हाट अ ग्रेट मेमोरी। पहला टेस्ट हो गया, पहला टेस्ट इज, मतलब दिस विल कीप गेटिंग हार्डर। ओके ठीक है, पहला वाज इजी, नाउ विल गो फॉर टू। पॉल मॉर्फी वाज वन ऑफ माय फेवरेट। ये कार्लसन आनंद का मैच है, कार्लसन और आनंद का मैच। आनंद व्हाइट शायद से, नहीं आनंद वाज ब्लैक, कार्लसन वाज व्हाइट। आनंद वाज, आनंद वाज ब्लैक, कार्लसन वाज व्हाइट। दैट्स द करेक्ट आंसर आनंद, दिस इज द गेम बिटवीन कार्लसन एंड आनंद। डू यू नो व्हाट मूव इट्स कार्लसन टू प्ले, इट्स व्हाइट टू प्ले। वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप था 2018 सऊदी में हुआ था। यस यस यस, इट्स अ मैच इन दैट वाज प्लेड इन रियाद, बट डू यू नो व्हाट द मूव वाज? नाइट f4 खेला था और फिर क्वीन e4 आया होगा। अरे भाई 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 बेहतरीन भाई, बहुत ही एकदम करेक्ट आंसर है, कार्लसन वर्सेस आनंद। आई कांट बिलीव दिस, मैंने पता है रैंडमली कोई भी गेम मेरे को मिली मैंने उसमें से निकाल के दिया और इसने दोनों का करेक्ट आंसर दिया है। लेट्स सी इफ यू कैन गेट 5-on-5। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट लेट्स सी इफ यू कैन गेट इट। ये नहीं देखा हुआ मैंने। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स एंड बिस्वा का गेम है क्या? नाइस नाइस, वेल डन वेल डन विद इट, 5 पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड। दिस इज आई विल गिव यू अ हिंट, इट्स इवांचुक वर्सेस समवन। कास्परो होगा? नहीं, दिस इज इवांचुक वर्सेस आनंद। And this was Linares Super Tournament in 1991, but this was very difficult because मैंने एक बहुत ही random match एक निकाल के दिया था। So you got 2 out of 3. The fourth one is by one of Abhishek Upmanyu's favorite players, and this is one of my favorite positions in history. Can you tell me what? Let me first guess Upmanyu's favorite player. Okay. Indian तो नहीं होगा, Indian तो नहीं है। Carlson है? नहीं नहीं, जस्ट लुक एट दिस दिस मेस, दिस ब्यूटीफुल मेस, हु कैन क्रिएट सच अ ब्यूटीफुल मेस? इट इज क्वाइट अ मैजिशियन, इट्स अ, इट्स ब्लैक टू प्ले। ताल का गेम है? यस, दिस इज मिखेल ताल, दिस इज मिखेल ताल्स गेम, मिखेल ताल वर्सेस एंड्रियस। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, इतने सब लेजेंड्स के नाम पता है तुम लोग को। अरे भाई हम प्रॉपर चेस फॉलो करते हैं भाई, मतलब हम अरे पहले मैं खेलता था। हां भाई हमने 2 YouTube वीडियो देख लिए, हमको सब पता है, ठीक है 1500। अच्छा एक लास्ट बचा है, इफ यू गेट दिस देन आई विल कंसीडर दैट यू विल बी द नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन, बिकॉज़ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट गेम्स दैट आई डोंट थिंक यू कैन गेट दिस। इट इज आई थिंक इट्स अभिश मैथ्यू का गेम है ना ये? बिल्कुल सही जवाब। he won from white. How do you know this, bro? How do you know this? बात होती है यार विदित। अरे मैं रैंडमली देख रहा था और फिर एक पॉइंट आया जब सब हंस रहे थे, तो मुझे लगा कौन सा गेम है, देखना पड़ेगा। But do you know? याद कैसे हो गया? It was memorable. Abhish ने ऐसा खेला है इसमें। लेकिन मजा तो आया होगा देख के, मतलब it is by far the funniest game I have ever seen.
this is the greatest game ever played. But can you tell me what move was to make and what was made? Like, kya move honi chahiye thi wahan pe? Last mein black har gaya kuch. Queen bhi chali gayi, bishop bhi chala gaya. Please watch this match again. It's a beautiful match. But that brings us to the end of this segment. I hope you enjoyed this segment. All right, so let's begin the game. But before beginning the game, one second. There's still echo. Vidit, tera side mein YouTube khula hai kya? Nahi. Nahi, tera nahi khula hai. Kidhar ja raha hai? Samay tera khula hai kya? Nahi, mera nahi khula. Balraj, can you disconnect? Abhi better hai. Ek second. Ab batao. अब बहुत बेटर हो गया यार अरे अब नहीं वापस आ नहीं हुआ मुझे लगता है वैभव नहीं मेरा मुझे भी लगता है वैभव ही है पर पिछली बार वैभव के साथ ही हुआ था वो फोन चालू था ना साइड में तो मुझे लगा वहां पे नहीं नहीं आई जस्ट ओपन माय फोन बिकॉज़ अपने वो चेस पंस वाला कर रहे हैं क्या हां चलो लेट्स डू फटाफट पांच पंस अगेन लाइक यू नो वी हैव क्रिएटेड पंस आई थिंक वर्क नहीं है बट बकचोदी जरूरी होती है बकचोदी जरूरी है और मैं बकचोदी नहीं बोल सकते भाई आज और वैभव सेठिया ने आज जिम्मा लिया है चेस पंस बनाने का उन्हें लगता है कि उनके पंस मेरे से भी ज्यादा खराब होंगे और मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है लेकिन हां टाइम पास जरूरी है जिंदगी में चलो ठीक है बट दिस हैज टू बी अ कंपटीशन से ठीक है देखते हैं कौन करता है पहले ओके व्हाट डू यू कॉल अ लायन एक सेकंड बिस्वान उपमन्यु प्लीज टर्न योर माइक्स ऑन यू आर आल्सो इन दिस या म्यूट व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग हां इजीियर रहेगा सबके लिए सो व्हाट डू यू कॉल अ लायन अटैकिंग अ बफेलो ऑन टीवी ये सब चेस पंस है व्हाट डू यू कॉल अ लायन अटैकिंग अ बफेलो ऑन टीवी मैन वर्सेस वाइल्ड चेस पंस नहीं मुझे लगा वो आताश गुप्ता का वीडियो का रेफरेंस था नहीं नहीं भाई व्हाट इज इट दे आर नॉट गोना वेट लॉन्ग डिस्कवरी अटैक वाओ वाओ ओके वेट वाओ 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 वेट देखो तीन बहुत आई डोंट लाइक नोइंग यू ऑल ब्रो बहुत एको आ रहा है ब्रो बहुत बहुत एको आ रहा है ना ओके तीन बहुत गंदे हैं उसके बाद शायद एक आठ ठीक है वैभव सेठिया दोस्त हां अभी बेटर हुआ कि मैं आई जस्ट टुक माय फोन अवे फ्रॉम द लैपटॉप एंड समहाउ इट गॉट क्वाइट वैभव कैन यू डिस्क्राइब फॉर लाइक 30 सेकंड्स एंड कम बैक नो फक यू अरे आई डू डिस्क्राइब फॉर 30 सेकंड्स एंड कम बैक वी विल जस्ट अभी तो नहीं आ रहा है को आ रहा है आ रहा है एक बार 30 सेकंड्स के लिए डिस्क्राइब तो करो आर यू फक यू नो नो यू कैन कनेक्ट अगेन विद दैट सेम लिंक वी जस्ट वांट टू सी हाउ इट इज लाइक YouTube का आवाज है क्या नहीं नहीं एक सेकंड ये मेरे को वो वैभव सेठिया का ईयरफोन का आवाज एक सेकंड आप दो मिनट के लिए म्यूट करो ना वैभव सेठिया बाकी लोग सब एक बार अनम्यूट कर दो हाँ अनम्यूट हो गया बिस्वा अनम्यूट हो गया देखो कितना बेहतरीन है एक बार विदित कुछ बोलो अनम्यूट करके सब कुछ बोलो अभी आ रही है आवाज बिल्कुल बेहतरीन आ रही है बिस्वा बहुत सही प्यारा लग रहा है मतलब अच्छा लग रहा है आवाज और उपमन्यु कोई बात नहीं भाई आज हम ऐसे ही खेलेंगे मजेदार खेलेंगे तो पहला मैच हमारा शुरू होता है विदित गुजराती के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच विवेक बेहरा जी एंड विदित गुजराती प्लीज सेंड मी अ चैलेंज लिंक एंड लेट अस डिफीट यू तो कितना टाइम रखना है वी वांट 20 मिनट्स यू हैव 3 मिनट्स chat whoever is giving money thank you so much but it's getting too complicated to read and to talk and everything so we shall do a session in the end where I shall read out everyone's names increment nahi rakhna hai na no increment sab logistically issue sort kar rahe ho tab ek aur point mein try kar leta hu which russian mode of public transport oh maaz gaye bhai pure sound ki wow samay so much for clean comedy yeah oh fuck sanskari gande are aur do gaal ke andar free mein sukha puri dal diya chaar to i think tum log ko chess mein jitna easy rahega par clean stream rakhna impossible hai तो हां जब तक ये लॉजिकल इशू शॉर्ट हो रहे हैं तब तक अपने शॉर्ट चैट इज सेइंग किक वैभव चैट इज सेइंग किक वैभव बट वी डोंट वांट टू किक वैभव नो वी आर नॉट किकिंग वैभव आप म्यूट पे रहें आप हमारे साथ रहें स्पिरिट में रहें आप
नहीं नहीं मेरे को वैभव का पन सुनना है अब. हाँ 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 I like this was enthusiasm. So the pun is, which Russian mode of public transport is now slow and obsolete but still exists? ये chess player का पन है. हाँ chess player का. Which Russian mode of public transport is now slow and obsolete but still exists? मेरे को तो बस एक और है. So Russian मतलब Vladimir Vladimir Kramnik. अरे बाप okay. बाप last 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 try. पर इसमें नहीं नहीं पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था उसमें. हाँ wow Kramnik Kramnik अच्छा tram okay last 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 ठीक है ना क्योंकि फिर मेरा भी गिवअप हो जाएगा. Which player always oiled the wrong parts of the machine? अरे किसी का तो भी YouTube ऑन है. Which chess player always oiled the wrong parts of the machine? Limbit. Alexander Grishuk. चलो भाई शुरू करो. Very good, Vavasidia. Vavasidia. Officially meeting message for 30 seconds. Self-imposed punishment. दोस्तों, I know echo आ रहा है, echo आ रहा है. क्या करें? Vavasidia को kick नहीं कर सकते. Vavasidia, आप थोड़ी देर mute पे रहें और जब भी आपको बोलना हो, आप ना बोलें. और बस खेलते हैं. इसी से शुरू करते हैं हम chess. विदित गुजराती. All the best. Please, जिसका भी YouTube on है, बंद कर दें. बंद है भाई. मेरे को अब समझ में आया समय ने मेरे को पंच बनाने क्यों बोला ताकि ये गालियां मैं खा लूं इसकी वजह से. तो भाई स्ट्रीम में पांच लोग हैं ठीक है. पांच लोगों में से किसी एक का यूट्यूब ऑन है. ये कितना बड़ा मिस्ट्री है. कौन बता सकता है मेरे को किसका यूट्यूब ऑन है. ये कैसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है. पांच एडल्ट बैठे इधर. मैंने कन्फेस किया था यूट्यूब ऑन रहने के लिए पर मैंने बंद कर दिया. मेरा भी बंद है. मेरा तो खुला ही नहीं है. मेरा तो ये चालू है. आप बात करो कोई. करते रहो. हेलो हेलो बोलो बोलो. एक सेकंड. हेलो हेलो आप सही हो गया. अब बहुत सही हो गया भाई. फोन दूर है. यूट्यूब ऑन नहीं है और कुछ तो नहीं. टीवी मेरा तो म्यूट है बहुत देर से. बढ़िया. अब मेरे को लग रहा है अब सब सॉर्ट हो गया. देखो कुछ बोलो. सबको कुछ बोलो. हेलो 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 भाई. ओहो बढ़िया. अब शॉर्ट हो गया ना. हो गया. बढ़िया हो गया. अरे बढ़िया. शॉर्ट हो गया भाई. दोस्तों शॉर्ट हो गया. कौन से वेबसाइट में खेल रहे हम लोग. chess.com पे. आप लोग सब मेरे को वॉच करें. विदित गुजराती वर्सेस समय रैना विश्वा कल्याण अभिषेक उपमन्यु वैभव सेठिया एवरीवन हु वाज सब सबका माइक सही हो गया. दोस्तों समझ गए तुम. हम लोग के पास हर बार एक समस्या आती है. हम सॉल्व करते हैं उसको समय पे. समय पे. बढ़िया बेहतरीन. विदित गुजराती इज आल्सो अ कॉमेडियन. थैंक यू सो मच राहुल केसवानी फॉर दोज द जनरस डोनेशन. थैंक यू खुशबू शर्मा. थैंक यू सो मच फॉर द मनी. थैंक यू सो मच फॉर द 40 रुपीस. डिड यू क्रिएट द मैच ऑलरेडी. मैंने भेज दिया. कब भेज दिया मेरे को. ओके कब. इंक्रीमेंट नहीं रखना है ना. 20 प्लस 0 इंक्रीमेंट. वैसे इंक्रीमेंट तक बात पहुंचेगी नहीं. जस्ट से डरा हुआ है सब लोग ने मेरे को वॉच किया है भाई. जी भाई विदित के नाम से पहले ग्रैंड मास्टर लिखा हुआ आता है भाई. विदित आपके पास. हाँ आपके पास. दो मिनट. बेहतरीन. एक सेकंड विंडो कैप्चर हमें चेंज करना. आप लोग सब मेरा देख रहे हैं बिस्वा और जस्ट. हां हां देख रहे हैं. जस्ट मेक द फर्स्ट मूव विद इन अ मिनट नहीं तो अबॉर्ट हो जाएगा. हां हां. ओके गाइस दिस इज द मैच एंड एवरीवन. हम लोग दोस्तों क्या करना है. उपमन्यु बताएं भाई. विदित ने तो वाइट ले लिया तो चलो रिजाइन करते अगला वाला खेलते. क्या बोलते हो. अरे ये घोड़ा बाहर आ गया भाई पहले ही. मैं टाइम क्या बोलता है. क्या करना चाहिए यहाँ पे. समय
मैच अबॉर्ट हो जाएगा, मेरे को लगता है क्वींस पॉन ओपन कर देना चाहिए अपने को, उपमन्यु बोल कुछ नहीं रहा है। उपमन्यु आई लाइक द आईडिया, म्यूट हो आप। आई लाइक द आईडिया, उपमन्यु पता नहीं किधर चला गया, क्वींस पॉन ओपन कर दे मेरे हिसाब से तो भाई। D5 D5 अरे म्यूट म्यूट था ले। अब सोच बैठ के, मैंने मेरे को इतना करना था मैंने कर दिया। उपमन्यु म्यूट हो, म्यूट म्यूट, जो मिल रहा ले 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 ले। वैसे तुम लोगों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? उपमन्यु स्ट्रॉन्ग है, उपमन्यु दिख नहीं रहा, एक मिनट रुक जा, मैच नहीं दिख रहा। हाँ भाई हमने कुछ तो खेल दिया है भाई, जल्दी आओ बचाओ हमको। मैं टाइम बढ़ा दूं क्या वापस? नहीं नहीं, उपमन्यु को बस रुकोगी ये, हम यही मैच खेलेंगे ठीक है विदित, हम डरते नहीं है। भाई स्पेक्टेट में जाओ ना भाई, क्या हो गया भाई? अबे खुल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, रुक जा। उपमन्यु तेरे फोन पे chess.com है? नहीं। ओ हाँ है। फोन पे जा, वॉच पे जा, फ्रेंड पे जा, दिख जाएगा। एक मिनट रुक जा यार। चैट तब तक आप हमें बताएं क्या करें। भाई उपमन मरवाया यार। नहीं मैं टाइम बढ़ा देता हूँ। भाई चैट कर रही है NF6, चैट कर रही है NF6। कर दे क्या? मुझे पता है इससे क्या याद आ रहा है, जब मैं मतलब पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ ना तो ऐसे ही होता है। उधर है, उधर आइकन, उधर है। अबे कहाँ है भाई वॉच? भाई क्या हो गया भाई, टाइम वेस्ट हो गया भाई। अबे फोन पे खोल और सुन, फोन चार्ज समय भाई देखो हम नहीं 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 नाइट एक्सिस चल देना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई भाई नाइट एक्सिस चल देना चाहिए। अबे चल दे देखा जाएगा, संभाल लेंगे। हाँ हाँ चैट हम अरे चार जन होके जल्दी मार दिया भाई उसने, बहुत टाइम ही नहीं। अरे भाई ये बहुत जल्दी में ये। अबे कैसे भाई आप किस पे हो? लैपटॉप पे हो गया? हाँ तो एक बार न्यू गेम दबाओ, प्ले दबाओ। हाँ एक काम कर, मर जा उपमन्यु को भी, मर जा। काडू बोलने देना उसको, दो भाई टाइम नहीं आपके पास। भाई रिजाइन दबाओ ठीक है, न्यू गेम दबाओ, प्ले दबाओ, रिजाइन दबाओ ठीक है। दबाया? हाँ दिख गया ना, स्पेक्टेट दिख गया ना। दो रुक जा एक काम था ओपनिंग। भाई भाई हम नहीं आ रहा पाएंगे और दो मिनट वेस्ट हो गए तो। अबे मेरे हिसाब से मुझे वैभव के लिए बुरा लग रहा है, बेचारे बोल नहीं पा रहे। नहीं वैभव बोल सकते हैं, वैभव माइक हैज बीन फिक्स्ड। हां हां मैं अभी तो ठीक है। क्या करेगा आप? अच्छा सुन, तू अगर पॉन लेगा तो अपना किंग पॉन शायद खोलेगा या फिर अपना नाइट निकालेगा, दोनों केस में तेरे नाइट को थ्रेट आएगा, तो पीछे ले आना और दूसरा नाइट खोलेंगे उसके बाद। और क्या यही लग रहा है मेरे को, अनलेस उपमन्यु कुछ बोल रहा है टाइम पे, मेरे को लग रहा है किंग्स पॉन बढ़ा देते हैं, कैप्चर करेगा तो वापस बिशप से कैप्चर कर लेंगे अपना, भी डेवलप हो जाएगा। कर गया, आल्सो गुड आईडिया। रुक जा वो कर अपना ये बिशप के आगे वाला पॉन बढ़ा दे। क्या C6? C6 हां। अरे पर मेरा पॉन फ्री में मर रहा है। अबे तू बढ़ा यार। भाई हां भाई उसका पॉन फ्री में मर रहा है, बढ़ा भाई। ओके हमने भी गैम्बिट देखा है ठीक है ना, नाइट से कर ले, नाइट से। अरे बढ़िया समझ गया। E5 भाई वो बहुत तेज खेल रहा है भाई, ये उपमन्यु का गेम स्ट्रांग है। तभी तो हम उसको बोल रहे हैं तो कुछ बोल। अब वो वाला पॉन बढ़ाएगा ये वाला, तो तू ये बिशप से उधर ले आ। B4 ले लूं? बिशप G4। B4 G4 नहीं। अबे इधर। अच्छा अच्छा ये वाला बिशप G4 या B4? G4 ले लूं? हाँ हाँ। अबे G4 से हाँ यार, वो पॉन बढ़ाने वाला था ना, वही तो बोल रहा हूँ। I'm impressed।
भाई हराएंगे तेरे को, रुक दूसरा विषय भी निकाल दूसरा वाले पिन कर दे नाइट, ओके खड़ जा, कैसलिंग करनी तो चाहिए, वो नाइट हटाएगा कुछ होगा उससे, कुछ नहीं होगा, कैसलिंग कर ले, कैसलिंग कर ले पहले, हाँ हाँ कर ले, विजिट कर ले क्या, कर लो अभी तक तो एकदम अच्छा खेल रहा, ओके अब पता नहीं मैंने क्वीन निकाल ली, रुक्स कनेक्ट कर दे, क्वीन आगे कर दे, रुक्स कनेक्ट कर ले, क्वीन d7 नहीं थोड़ा एक ऊपर, हाँ डिफ है, रुको रुको पहले थ्रेट देखो ना, कोई थ्रेट तो नहीं है अभी, डेवलपमेंट चल रही है अभी, रुक भाई थ्रेट है ना भाई, थ्रेट है वो अपने नाइट से, अगर e5 का पॉन मारेगा तो हमारा बिशप जाएगा फुकट में, अबे हम नाइट मार देंगे, नहीं जाएगा यार, अरे भाई सुनो तो, हां नाइट मार देंगे, नाइट मार देंगे, हमारा भी नाइट है, तू कैप्चर कर लेगा, तेरे पास थोड़ी है भाई, वापस कैप्चर नाइट रखे हैं नाइट से ना, तो उसका बिशप प्रोटेक्टेड रहेगा वहां पे, अपना बिशप प्रोटेक्टेड रहेगा, अरे अपना बिशप कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा, वो नाइट से मारेगा, हम अपने नाइट से मारेंगे, वो बिशप से मारेगा बिशप, हम नाइट को बिशप से मारेंगे, वो क्वीन से अपना नाइट मार देगा भाई, दूसरा नाइट भी हमारे पास है, ये तो हम बोल रहे हैं कि तू अगर क्वीन ऊपर करेगा तो ज्यादा बेटर नहीं हमारे लिए, Queen d7 कर, वो कैसलिंग, वापस लिया, वापस लिया, वापस लिया, वापस कहाँ ले आऊँ, रुक जा, e7, ओए विदित, क्या, कुछ नहीं, हमारे 8 मिनट हो गए हैं भाई, उसके 16 ही सेकंड हुए हैं अभी तक, अरे ऐसे होता है, पॉन पुश करेंगे अगर, चल समय रहना चेक दे कहां से, वो ही तो तेरे को दिखेगा नहीं, हम चेक दे देंगे, रुक जा अब, रुक जा 2 मिनट, हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना रुक को ओपन फाइल में लाने वाला टेक्निक लगाएं क्या उपमन्यु, हाँ d3 पॉन, देख d3 पॉन पे सिर्फ बिशप है इसके, तो हम पीछे रुक लगा देते हैं एक क्वीन के, लेफ्ट वाला या राइट वाला जो मर्जी, राइट वाला लगाते हैं पक्का, थ्रेट तो नहीं है ना, लेकिन थ्रेट कोई नहीं है, मतलब बस उस d3 पॉन पे अटैक कर रहे हैं और कुछ नहीं है, प्रेशर डाल रहे हैं, किससे कर रहे हैं अटैक, क्वीन से अटैक कर रहे हैं हम, प्रेशर डाल रहे हैं अभी, देख बिशप से है ना, डाल दिया भाई, बहुत तेज खेल रहा है यार, एक तो इसको हिंदी भी आती है ना यार ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये सोचा ही ना, एडमिटर के साथ उसको पता ही नहीं लग रहा था भाई, मैं सोच रहा हूँ इसका घोड़ा मार देते हैं आज बिशप से, अबे पॉन बचा पहले अपना, अपना कौन सा पॉन, पॉन तो बचा हुआ है, अरे वो घोड़े से बचा ना भाई, कैसी बात कर रहे हो, नहीं नहीं मैं सोच रहा था कि उस पर अटैक भाई, मैं सोच रहा हूँ बिशप को, बिशप से हम घोड़े को मारे, वो अपने बिशप से मारे, फिर हम वो पॉन मार दे जिसको हमने डबल अटैक किया है, क्या 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 फिर से बोल, बिशप से f3 मारे, बिशप bx नाइट f3, वो अपने बिशप से हमारा बिशप मारे और हम फिर उसका पॉन मार दे, मार दे पॉन, अच्छा मेरे को तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे को, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो करते हैं, करते हैं मार दे, मार दूं पॉन, बिल्कुल मार, हां मार दे भाई, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, हां विदित मैं क्या कह रहा था, तो मैंने पता कैसे हैं घर पे, हां वापस ले आ भाई, क्वीन को वापस ले आ भाई, क्वीन एक्सचेंज कर दे क्या भाई लोग, नहीं नॉर्मल क्वीन एक्सचेंज कर दे, करेंगे क्या हम फिर, भाई डर रहा है, भाई क्वीन को
G6 ला दें क्या भाई? क्वीन को वापस लिया, नाइट पे दो अटैक हो रहे हैं अपने, क्वीन को वापस लिया, फिर क्वीन पे भी अटैक हो जाएगा भाई। अबे नाइट को क्वीन वापस लिया भाई, मैं बता रहा हूँ D7 भाई जहाँ थी पहले। हाँ एक पॉन खा लिया हमने, किल कर दिया हमने। हाँ भाई, हाँ बस बेहतरीन। हाँ देखो बिशप से प्रोटेक्ट करते हैं, बिशप D6 लेते हैं या फिर क्वीन C7। अबे सुन सुन देख C7 एक देखिए, हमने ये क्वीन लेके आए थे ये नाइट बचाने के लिए अपना C5 ये वाला C5 वाला। हाँ तो अभी भी इसको बचाना ही है। हाँ तो तू इसको अपने बिशप के ऊपर कर दे, हमारे ये बिशप को ऊपर कर दूं या फिर मैं सोच रहा हूँ क्वीन को C7 ले जाऊं। C7 यार वो किसी काम की नहीं रहेगी वहां पे यार, फिर इधर कर देना क्वीन E6 बोल रहा है। हाँ हाँ E6 फिर अगर क्वीन C7 लेंगे ना फिर बिशप D6 पे लाके आगे अटैक कर सकते हैं। ये ठीक है। ओके भाई कैसे खेल देता है भाई 20 सेकंड में। मैं टाइम ऐड कर दूं क्या? नहीं हम लोग को नहीं चाहिए टाइम। आप खड़ जा अब यार, सोचना पड़ेगा क्या करें, आपको प्लान ही नहीं। पॉन E5 वाला आगे बढ़ा दे, प्लान है भाई, प्लान है, जीतना है ठीक है, प्लान है। एक मिनट क्या, क्यों बढ़ा दे? वो बिशप हटाते हैं ना वहां से, डबल अटैक हो रहा है बार-बार अपने पे, और उसका बिशप वहां अंदर डाल देते हैं, कुछ काम का नहीं रहेगा वहां खास, कहां उल्टे से डायगनल पे पड़ा रहेगा भाई। नहीं उसका बिशप फिर E2 पे आके फिर B5 पे आएगा भाई, क्वीन भी है उस स्क्वायर पे, क्वीन भी है। हाँ पर अपने तीन है ना, तीन कौन दो है? दो है सॉरी अपने दो है। हाँ राइट उनका तीन है। मैं कह रहा हूँ इसको क्वीन तो भगाओ यहाँ से, सुन क्वीन भगाते हैं इसकी तो भाई। एक सेकंड मैं एक चीज बोल दूँ जल्दी, एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम अपना वो B7 पॉन का कुछ प्रोटेक्शन नहीं है तो भाई मैं कह रहा हूँ। हाँ तो एक काम करते हैं A6 और B5 प्लान कर लेते हैं, पहले A6 फिर B5 क्वीन भगाते हैं। हाँ पहले क्वीन भगाते हैं A6 B5 भाई, पर अगर उसने अभी एक्सचेंज किया कोई बात नहीं। नहीं 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 करें, कर दूं B5 करना तो बनता है। एक मिनट ओ अबे एक मिनट, तो B5 करेगा हमारा पॉन चला जाएगा। कौन सा पॉन? अरे हाँ A6 का पॉन चला जाएगा ना भाई। ओ हाँ थैंक यू क्या फायदा क्या होगा, चलो कर लेते हैं, मार दे मार दे, सिंपलीफाई हो जाएगा तो हम फिर सोच पाएंगे। अब ला दूं रुक फिर से, अब इस बार लुक A8 ला दूं। नहीं नहीं सही नहीं रहेगा वो भाई, वो B7 अभी भी हैंगिंग है यार। B7 तो ठीक है, हमारे पास कोई अटैक ही नहीं, कोई इनिशिएटिव नहीं है हमारे पास। नहीं चाहिए भाई, खाली बचाओ बचाओ बचाओ, अपने को ड्रॉप करना है गाइस। भाई अपने पास 6 मिनट है, उसके पास 2.5 मिनट है, या तो भाई टाइम से हराना है उसको। रुक ओए रुक ले यार, वहीं पे फिर से जहां पहले था, वही कह रहा था मैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हम वहां लाके फिर जब हम B5 पुश करेंगे हमारा घोड़ा पिन हो जाएगा हमारे। अगर तू रुक यहां रखेगा अपना E5 पे, तो अगर ये रुक से मारता है हम नाइट से मार देंगे, ये सारा थ्रेट ही खत्म हो जाएगा घोड़े वाला, और फिर वो उस पॉन को बचा लेगा B5 के। सही है, आइडिया अच्छा है। किस पे ले जाऊं? वहीं रुक सामने, सामने रख दे, रुक रुक के सामने। हां अरे डर गया भाई, बहुत डर गया, बहुत डर गया। ओहो हो इंटेंस हो गया भाई गेम, मुझे मजा आ रहा है। एक और आइडिया है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं है, पर पता नहीं क्या है वो जो E4 E5 वाला पॉन है उसको कभी तो हम E4 पे पुश करेंगे, लेकिन वहां पे उसके 3 अटैक हैं अभी नहीं कर और सकते, हमारे खाली दो हैं अभी नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, ये घोड़े को हटाते हैं पहले C6 से किसी तरह, तेरा पॉन मर जाएगा। नहीं वही ताकि हिलाएं तो हमारे A6 पे प्रोटेक्शन तो आए, ताकि हमें B5 अगर पुश करना है तो।
भाई क्वीन को पीछे ले आए क्या, क्योंकि जिस रीजन से लेके गए थे वो रीजन से चला गया। नहीं 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 अपना F6 वाला घोड़ा ना फालतू बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो या तो F6 घोड़ा अभी D7 पे लाके फिर आगे क्वीन पे भी अटैक कर पाएगा आगे जाके, और वो दोनों पॉन भी अटैक करेगा। एक मिनट बढ़िया आइडिया। कहां D7 पे? हां F6 वाला घोड़ा D7 पे ले आएंगे और फिर नेक्स्ट टर्न पे अपने C5 पे ला सकते हैं, जिससे मतलब वो दोनों पॉन भी प्रोटेक्ट करेगा और क्वीन पे भी अटैक कर सकते हैं। अबे हम D7 पे लाएंगे, वो रुक वापस ले आएगा। हां बट क्वीन भी तो रहेगी ना, वो क्वीन पे भी अटैक रहेगा उसके, तो हो सकता है खुलने ना दे बट बिशप प्रोटेक्ट कर रहा है उसको वहां पे, तो आप एक्सचेंज थोड़ी करेगा, बिशप प्रोटेक्ट कर रहा है यार। ये ना मुझे, मैं इसलिए नाइट हिलाने चाहता क्योंकि वो डिफेंड कर रहा था, ठीक है वो डिफेंड कर रहा था, पर ठीक है पता सीन क्या है, जैसे ही हम नाइट हिलाएंगे ना वो बिशप उधर ले आएगा अपना D4 पे और वो भाई नाइट हिलाने से बहुत प्रॉब्लम होगा, वो किंग साइड में ले आएगा अपना क्वीन वगैरह और फिर लेकिन ठीक है, हमारा स्ट्रांग है क्वीन, हमारे पास अटैक क्या है, व्हाट आर वी डूइंग, भाई अपने को अटैक नहीं करना है, सुनो हम लोग खाली अपना पोजीशन थोड़ा इंप्रूव करते हैं, देखते हैं वो क्या अटैक करता है। हम ब्लैक है भाई, हमको अटैक करने का नहीं बनता है, हम व्हाइट अटैक करते हैं, ब्लैक डिफेंड करता है, ये मैंने पॉडकास्ट में सुना है। E4 पुश करना है क्या? नहीं, सुन, अबे वो बिशप मार रहा है नाइट से, तू रुक ऊपर कर दे, बिशप मार रहा है नाइट से, नाइट के बगल में रुक लिया भाई, अपने पास 3 मिनट बचे, नाइट के बगल में रुक लिया जल्दी भाई, अपने पास 3 मिनट बचे। भाई सोच रहा है भाई, वो बढ़िया मजा आ गया। ओ यार तुम लोग काफी अच्छा खेल रहे हो, टू बी ऑनेस्ट, सच बता भाई, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, थैंक्स भाई, चार लोग मिलके 16 मिनट में भाई घोड़ा मारना पड़ेगा ले हां मार दे, मार, पर वो क्वीन से मारेगा यार, फिर दंगल हो जाएगी, दंगल होने दे, दंगल वही हो गया ना, देखा भाई उस पैन पर, भाई पुश F5 पुश, यस F5 भाई, तो किंग साइड खोलना चाहता है अभी, खोल दे, ठीक है मरना ही है तो शॉक से मरते, चलो F5 क्यों कर रहे हैं हम, G6 क्यों नहीं कर सकते, क्या चीज G6 क्या होगा G6 से, वो अबे वो पॉन बचेगा ना H5 वाला, अरे तो F5 से भी तो वही बच रहा है भाई, जल्दी खेल, जो खेलना है उसमें F5 का फायदा नहीं है, कम करो, नहीं है F5 का कोई फायदा नहीं है, स्ट्रक्चर टूट जाएगा, पॉन स्ट्रक्चर, तो मर्जी है दोनों, मुझे तो दोनों ठीक लग रही हैं, चलो G6 करते हैं, किंग के लिए भी रास्ता बनेगा, हाँ ठीक है, कर दे जल्दी, पर फिर हम F5 नहीं कर पाएंगे, हाँ ठीक है भाई, तू चल, जो चलना है चल, हमारे पास बहुत कम टाइम है, कोई भी ब्लॉक हो जाएगी, G6 कर दे, G6 कर देता हूँ, F5 डर गया भाई, डर गया, हाँ कुछ तो हुआ है, देख दिख गया वो। अच्छा मैं पॉन आगे लेने क्या भाई, लोग पॉन आगे लेने का टाइम आया है क्या, नहीं आया, विदित भाई E5 टू E4 विदित भाई टाइम ऐड करूँ क्या, थोड़ा टाइम दे दो ना भाई हमें, कितना टाइम दो, 5 मिनट, एक 10 मिनट दे दो ना भाई, हाँ ठीक है चलेगा, एक सेकंड, ए गाइस इन आवर डिफेंस ही इज विदित गुजराती, हम बता अगर आप सही बता, इफ यू अगर कॉमेडी करने आएगा तो हम तुझे बहुत टाइम देंगे, हाँ बता सही था, या भी सोच ला रहा, अच्छा अब हमारे पास बहुत टाइम है भाई, अब हमारे पास बहुत टाइम है, सुन ना अपने पॉन B5, अगर अपने पॉन B5 बढ़ा दे, अगर अभी पॉन B5 बढ़ा दे तो वो कैप्चर करेगा ना अपना, वही है ना, ए पॉन अपना थ्रेट आ जाएगा कि वो ले सकता है, पर वो कैप्चर करने पास अपने पास डिस्कवरी रहेगा ना, अपने घोड़ा हिलाते ही हाथी से उसकी क्वीन पे अटैक करेगा, सो वी विल हैव अ चांस टू कैप्चर हिज बिशप वहां पे, देखो अपने B7 बढ़ाए, अब ये पॉन डाउन, हां बट विल बी पॉन डाउन, नहीं मूव अपने विल टेक अ बिशप एंड रुइन हिज स्ट्रक्चर, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, वो चेक देगा ना भाई अगले मूव में, वो पहले मूव में पॉन मारेगा, अगले मूव में हम घोड़े कहीं भी लेके जाएंगे, वो और नीचे आके चेक देगा ना पहले, हाँ तो हम ऊपर ले जाएंगे, वो वापस अपने पास आती है ना, क्या जा रहा है जब तक उसको लेने, वो घोड़ा जाते ही सी फाइल वाला, वो क्वीन सीधा नीचे आएगी, वही 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 कह रहा हूँ मैं अभी, और उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि घोड़ा अगर मान ले D4 पे गया, ठीक है, और उसने क्वीन नीचे लाया, पॉन खाया उसने, तो
हम फिर उसके बाद बिशप के ऊपर थ्रेट ही है वहां पे, हम अगर वो बिशप ले ले जो एफ थ्री का उसका बिशप है तो उसका किंग साइड का पॉन स्ट्रक्चर खुल जाएगा। वही तो, वही तो हमारा हाँ, एक सेकंड सुन, एक सेकंड सुन खाली, सुन डी फाइव पहले डी फाइव ठीक है ना, उसके बाद अगर वो क्वीन कैप्चर करता है ए फाइव वाला अपना पॉन, तो अपने पास डिस्कवरी है क्वीन का सीधा नाइट ऊपर उठा के, राइट आप नाइट ऊपर उठाएंगे वो चेक देगा ना, बोला चेक देगा ना, प्रॉब्लम वो चेक देगा, प्रॉब्लम ये है। अरे वैभव भाई वो चेक देगा, उसके बाद हम वापस नीचे लाएंगे रुक, फिर वो पॉन मारेगा बी सेवन वाला, फिर हम क्या करेंगे दो पीस डाउन होके। एक और चीज है, एक प्रॉब्लम उधर, उसका बिशप खा लेगा हमारा नाइट इससे पहले कि और कुछ हो, वो नेक्स्ट स्टेप में वही करेगा। वो एक काम करते हैं, अगर हमें अपना नाइट हिलाना है तो ये क्वीन ये चेक वाला डर खत्म करना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ किंग को ऊपर क्यों ना कर दें, फिर अपने वो बिशप वो e5 वाला पॉन कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। अभी अभी हमारे पास करंटली कोई थ्रेट है क्या? नहीं नहीं है ना, तो किंग को सेव करना है क्या? है है, मैं कह रहा हूं, मैं किंग को ऊपर कर दे, किंग को ऊपर कर, एक सेकंड, एक क्या क्या थ्रेट है, एक थ्रेट है, ये थ्रेट है क्या, हमारा जो घोड़ा है उस पे उसका रुक, उसका बिशप और उसका क्वीन अटैक कर रहा है, और डिफेंड हमारा पॉन, ये हाथी तीन डिफेंडर है उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द नंबर ऑफ डिफेंडर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ अटैकर्स इट्स फाइन। हां लेकिन हमारा घोड़ा फंसा हुआ है वहां पे, इसलिए कह रहा हूं किंग को ऊपर कर दो, हां मर्जी है, मैं किंग को ऊपर कर रहा हूँ, मैं किंग प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ओके, पर फिर उसका बिशप अगर आ गया फिर सी थ्री पे तो दूसरा प्लान क्या है, दूसरा प्लान में बताता हूँ, मतलब मेरे दिमाग में एफ फाइव लेते हैं, अगले में ई फोर पुश करते हैं, भाई किंग साइड पूरा खुल जाएगा एफ फाइव पुश करने पे। वो ई टू पे आएगा पहले, बिशप बिशप ई टू पे आएगा, फिर बिशप सी फोर पे आएगा, फिर हमारा किंग को लेके छुपा देंगे। मुझे बिस्वा का प्लान सही लग रहा है, F5 और E4, उसके आगे भी देखो ना, F5 D4 मत खोल यार, अगर बाय चांस F5 E4 उसका बिशप E2 पे जाएगा, फिर उसका बिशप C4 पे आएगा। गाइस एक और प्लान बताऊं? बताओ। नहीं है ही नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कदम आगे चल रहा है, पहले भी कर रहा है गया। अबे अभी अपने ऊपर बढ़ा लो ना एक बार, देखते ना क्या कर रहा है। मुझे लगा नहीं था इतना टफ होगा मैच यार। विदित प्लीज आप भी बोल बोल के खेलो ना, क्या कर रहे हो यार ये, रुको रुको रुको, नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे को लगा था मेरे पास B5 is a great move, but turns out it's not. Why not? Because, अरे because he captures the pawn. And then bye. B5 विदित यार आप बताएं, हमारी सुनो मत यार, आप म्यूट करके सुनो कि हम लोग सुन समय ओके मूव एक मिनट, फिलहाल हमारी क्वीन किसी काम की नहीं है, तो उसको ले आ सेवंथ भाई, ये मूव तो सुनो आप, B5 ठीक है, उसके बाद इफ क्वीन कैप्चर्स pawn, then knight goes to काफी cryptic है विदित, समझ नहीं आ रहा ना हम लोग क्या कह रहे हैं। D4 कैसे?
नाइट डी फोर. अरे बिकॉज डिस्कवरी चेक होगा, डिस्कवरी होगा ना उससे क्वीन पे, फिर अपने बिशप ले सकते हैं, बिशप लेके चेक दे सकते हो. सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही. नहीं 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 सही नहीं है, सही नहीं, गलत है. क्योंकि सुन सुन समय, हाँ सुन, अगर हम उसके बिशप पे अटैक करें बाय क्वीन टू ए टू, तो उसके बिशप के पास बहुत कम जगह बचती है जाने के लिए. हाँ हमारी सही बात है, ये भी सही बात है. फिर ऊपर ले जाएंगे लास्ट फाइल में, अटैक करेंगे दूसरे बिशप को, कितना बचाएगा? आई डाउट. अबे कर दे, ड्रॉ कर देंगे उधर भाई, तीन बार करके ड्रॉ कर देंगे. अबे नहीं, वो क्वीन से बचा सकता है, क्वीन से जा सकता है वो. हाँ क्वीन भी आ सकता है, ये क्वीन एक्सचेंज हो गई तो फिर हम लोग एंड गेम में नहीं ले पाएंगे. मुझे लग रहा है ये बिशप सैक्रिफाइस नहीं कर दे अभी, क्योंकि अपना अरे क्वीन रहेगा और एक पॉन भी आप रहेगा. ये यार क्वीन वाली मूवी सोची. थैंक यू खुशबू शर्मा फॉर द 40 रुपीस. अरे 40 रुपीस नहीं, 4000 रुपया दो साला भाई. देखो लेकिन इसका 1.5 मिनट तो हमने खा लिया भाई, अगर 1 मिनट का मैच होता अभी तक हार गया होता. अभी क्या चीज क्वीन मारनी पड़ेगी. क्वीन क्यों मारनी है, पॉन क्यों नहीं मार सकते? अबे क्वीन भगाते रहेंगे नहीं तो पूरे बोर्ड पे करेंगे क्या हम? क्वीन पॉन तो मारे, एक उसकी क्वीन हमारी क्वीन से ज्यादा डेंजरस है क्योंकि उसको ज्यादा अच्छा खेलना आता है भाई. पर पॉन तो मारे, दैट इज आई एग्री 100% एग्री, क्वीन एक्सचेंज करेगा हमारे लिए सिंपलर होएगा भाई. मेरी बात सुनो, क्वीन से अगर पॉन मारेंगे क्या दिक्कत है? हां हां मारना, फिर उसके बाद घोड़ा भी अपने पास, उसके बाद में मौका नहीं आएगा क्वीन एक्सचेंज करने का. वो सही बोल रहा है बिस्वा यार. अच्छा सुन सुन सुन, अभी के लिए पॉन ले ले, हमको भी मजा भी आएगा थोड़ा. नहीं नहीं, पर उसने हमें, उसने हमें ऐसे पॉन दे दिया क्योंकि फिर अपना कभी भी अपना नाइट हिल नहीं पाएगा क्योंकि वो सीधा अगर कभी भी सीधा 2 मिनट बचा ले 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 क्वीन ले ले क्वीन ले ले क्वीन ले ले. मेरे भाई विदित भाई क्या हमें और 8 मिनट दे दो ना भाई. विदित जी 8 मिनट क्वीन एक्सचेंज कर देते हैं. सुन सुन सुन, ओके आइडिया सुनो, कर दो कर दो करो गाइस. अरे अबे बोल दिया उसने, कर लो. हो गया भाई, विदित भाई ने बोल दिया है और हो गया है भाई. ए मेरे क्या ट्रेन कर दे उसको, भाई आप कौन B5 B5 हां B5 सॉरी हां हां अब तो B5 बनता है क्योंकि पोजीशन स्ट्रांग करनी है. बढ़िया, हां हां हां, वहां पे क्वीन ट्रैप हो जाता था. अब बढ़िया चल रहा है. ओ यार अच्छा अब ये सब चालू हो गया ना, ये वाला फेस आ गया हम लोग. ए देख जहां पे भी ये लड़ने का बोले ना, लड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ा देते बॉल, लड़ेंगे नहीं, अपने साइड से निकल जाते. कहां पे निकल जाएंगे, बैठे आगे उनके. हां तो वापस ले लेंगे ना, क्या जा रहा है दोस्तों. हम उसको सुन, उसका लेंगे तो उसका बिशप आएगा. ओ हां नहीं, मार मारना नहीं है भाई, मारना नहीं है. नहीं बड़ा विदित भाई, थोड़ा टाइम दे दो ना भाई. अपना तुम लोग क्या टाइम कम है, दे दो ना भाई, थोड़ा टाइम दे दो ना विदित भाई. अरे वो कैप्चर करेगा तो उसका रुक 4 को जाएगा ना, टाइम ऐड हो गया. थैंक यू विदित भाई, इज द बेस्ट, शाउट आउट विदित ओपी इन द चैट. अब कुछ मिलेगा नहीं खास, बट हां मैं भी मतलब है नहीं करने का, मुझे अनफेयर एडवांटेज है ना, मैं सुन पा रहा हूं तुम्हारी थॉट प्रोसेस. हां इसलिए हां वो भी 15 मिनट बाद हम लोग वहां पे बोल रहे हैं. मैं तू क्या बोल रहा था? मैं कह रहा था अगर F4 बढ़ा दे तो वो कैप्चर नहीं कर पाएगा, अपना फोक होगा. बट क्या है ना, वो फिर घोड़ा सामने, वो अपना हाथी भी मूव कर देगा तो अपने मतलब कुछ खास कैप्चर नहीं हो रहा, बट उसका बिशप खत्म हो सकता है. बट अपना घोड़ा वैसे भी रोला बैठा है, कुछ खास कर नहीं रहा है, तो उसका एक बिशप से घोड़ा एक्सचेंज कर लेते कम से कम. ओके और अपने को एक पॉन भी मिल जाएगा वो उस लाइन पे, मतलब टिल वी हैव नथिंग. मेरे पास अभी कोई प्लान नहीं है तो तुम देख लो. मेरे ख्याल से तो वही करना चाहिए F4. सुन 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 सुन, another idea is there. I don't know if it's a shit idea. Let him take this pawn, then we capture with the G pawn. हाँ हाँ हाँ, I like, सही है, मस्त है. Then अपना rook इस side आएगा, दोनों राजा के बीच में.
तो थोड़ा मजा आएगा गेम में, थोड़ा टॉन्ट करेंगे कुछ करेंगे ठीक है। But क्या करना है फिर फाइनल? That's what he wants also. Like अभी तक तो पोजीशन इक्वल है पूरा। इक्वल है? हाँ इक्वल इक्वल है। देखो इसने हमें हिंट दिया है कि देखो अभी तक तो पोजीशन इक्वल है, अगर विश्वा की बात माने तो फिर मतलब विश्वा जो तू बोल रहा है ठीक है, जो तू बोल रहा है वो अपने एच फाइल वाले से भी कर सकते हैं, एच फाइल कर दे तो भी मेरे हिसाब से। देखो मैं एक्साइटेड हो गया वैभव, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आपके माइक में वैभव। ओके अबे मार दे फोन को यार, क्या ही हो जाएगा। नहीं नहीं देखिए ऐसे एच फाइल कर दो, H5 या F4 मारेगा तो उसका बिशप खुल के आ जाएगा बे। अबे तो आने दे। नहीं 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 भाई, मारेंगे तो उसका बिशप आ जाएगा प्लीज। आन दे फिर भाई। सुनो किंग किंग F6 कैसा लग रहा है? क्यों लेकिन बिशप के ब्लॉक करना फायदा क्या है? मेरे ख्याल से पॉइंट नहीं है अभी तो करके, बट अच्छा उसको बचाना। अब वो पॉन को बचाना छोड़ के कुछ दूसरा अच्छा आइडिया है जो स्टार्ट कर सकते हैं। देख मेरे ख्याल से F5 अगर खेलेंगे ना तो वो अगर कैप्चर करेगा अपना अपना किसी भी तरह, G फाइल अगर खुल गया तो अपने चेक दे सकते हैं, तो थोड़ा मजा मुझे आ सकता है। एक चेक दे देंगे हम, मजा ही आ जाएगा भाई। ग्रैंड मास्टर को दे दिए, F5 कर दे दोनों में से एक। F5 नहीं भाई, F4 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 मैं कर रहा हूं। नहीं F4 मार दे यार, मार दे F5, F4 या फिर H5। नहीं मारना भी कोई पॉइंट नहीं है, मारना तो गलत है। मैं F5 पुश कर रहा हूं, F4 F4 पुश कर रहा हूं। कर दे F4, F4 सही है। वैभव प्लीज फिक्स योर माइक मैन, फोन नहीं खेलना चाहिए था। नहीं खेलना चाहिए था ना यार। ओ फक, अपने घोड़े पे डबल अटैक था, अपने देखे ही नहीं। नहीं अभी आया है, अभी आया है, अभी आया। तो तुम घोड़ा को पीछे से निकाल के किंग साइड में लाते, क्योंकि ये पूरा लड़ाई किंग साइड होने वाला है। डी8 सही है, डी8 कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे, पीछे ले आ, सही बात। घोड़ा को पीछे करके लेके आ इस साइड। हां हां बिशप पिन हो गया, बिशप F F6। नहीं नहीं इसको बचाना, पॉन को बचा। वही तो बिशप F6, बिशप F6 नहीं, नाइट F7 कर दे ना। नाइन F7, हां नाइट F7, ठीक है ठीक है ठीक है। अबे प्रॉब्लम ये है ना फिर, अब वो चल ठीक है। अरे यार बिशप ले आ, नाइट के आगे और क्या है। F4 तक सब पोजीशन अच्छा था एक्चुअली, मतलब तब तक बहुत अच्छा खेलते थे तुम लोग। H5 करना चाहिए था ना विदित? नहीं 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 कुछ करने नहीं था वहां पे, करना पड़ेगा यार, खेलना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी पास मतलब कोई भी मूव ब्रेक नहीं। ओके बिशप ले आ, नाइट के आगे। अब क्या करेंगे यार? नहीं नहीं वो ये यार ले आ, ले आ भाई, वो फिर पॉन पुश करेगा ना, g5 पुश करेगा वो। ओ हां आ मैं मार भी सकता यार, क्या करें रुक को e6 कर लेंगे, बिशप बिशप आ जाएगा। हां बिशप आ जाएगा। ओ ओए एक है ना अपने पास ये d3, रुक को d3 बैक कर देना अपने भी, देखा जाएगा क्या होता है। बिशप बिशप जाएगा, एक मिनट बिशप बिशप इसमें रुक d3 से गुड। नहीं इट्स नॉट अ गुड आईडिया, रुक d3 बिशप g2। नहीं बिशप f6 में क्या प्रॉब्लम है? बिशप f6 का प्रॉब्लम है g5, बिशप मूव करेगा अपने कैप्चर करेंगे h5 पे। हां सही है, f6 ले, f6 ले, f6 d d3 ना। ओ ओ हां साला प्रॉब्लम है उधर। बाय द वे टाइम ऐड करना है क्या? ओ नहीं 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 यार, नहीं नहीं अबे तू ईगो में मत आ, खेलना है अपने को। कर दे टाइम ऐड, कर दे टाइम ऐड, कर दे टाइम ऐड, कर दे भाई 5 मिनट दे भाई, अभी तो एंड गेम बचा है साला। सीधा घंटा ऐड करवा लो, बेसिक रानी बार-बार। यार मेरे ख्याल से d3 करना चाहिए, अगर वो बिशप हिलाया ना तो अपने h फाइल का पॉन कैप्चर कर सकते हैं उसका। अरे कैसे h फाइल का पॉन कैप्चर कर सकते हैं भाई अपना? हम लोग रुक रुक d3 लेंगे, वो बिशप g2 लेगा, बिशप g2 लेगा। ओके हाँ तो नहीं करेंगे। ओके अभिषेक फुल फोकस में, फुल कंसंट्रेशन। गाइस एक सेकंड सोचो, अगर हम बिशप f6 लेते हैं वो पॉन आगे लेता है ठीक है, वी
हम लोग नहीं कर पाएंगे कुछ। सुनो मैं काम करता हूँ, मैं बिशप एफ सिक्स लेता हूँ, वो पॉन पुश करेगा, मैं फिर ई फोर पुश करता हूँ, चल ठीक है, उससे क्या होगा? लेकिन बिशप एफ सिक्स सही है, वैसे भी उसको खा लेगा भाई। अबे वो सीधा पॉन खाएगा, प्रोटेक्टेड ही नहीं अपना पॉन करेगा ना, तू बिशप लाएगा वो जी फाइव कर देगा। अबे क्या कर लेगा बाद में अपना पॉन भी जाएगा। अरे मैं बिशप अगर f6 करूंगा वो, हाँ तो वो g5 करेगा ना, g5 वो g5 करेगा, फिर खत्म हो गया गेम, बिशप हटाना पड़ेगा ना, खत्म। हाँ सुनो हम, अबे नहीं वो g5 करेगा, हम पॉन से मार देंगे, कर दिया भाई कर दिया। अबे भाई ठीक है, ये बहुत ही गंदा मूव हो गया, ये तो g5 होना ही था ना 100%। अरे अब बताओ, अब उपमन्यु भाई ये पूरा ये जो भी इसकी गलती है ये उपमन्यु भाई की है, हमने कर दिया। अरे मैं तो पूछ रहा तुमसे क्यों नहीं, नहीं आपने अब कर दिया, यही यही डर था मेरे को, हो गया हो गई है वो बात अब। नहीं एक्चुअली रुक रुक, पोजीशन ऑलरेडी खराब हो गई थी, मतलब अभी किसी की गलती नहीं पहले ही थोड़ा। अरे भाई हमको ही पता है भाई, गलती गलती है मैच की है भाई, बगा ले अब क्या करना है। हाँ बचा ले बिशप तो, बचा ही ले यार। बचा, वो बिशप बचा ही हुआ था भाई, मैं तो बोलता हूँ एक चेक मिलेगा क्या, बस एक चेक मारना है यार मेरे को किसी भी तरह। अबे क्या चेक मारना, कहाँ से मारेंगे, वहाँ बिशप बैठा हुआ है भाई, रुक रख दे लास्ट में, वो भी बिशप नहीं, वो भी अगेन अगर अपने रुक बी3 लेंगे तो अपना क्लियर ना, ये मुंह पे टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है अभी, तो क्लियर अपने बिशप बचाने का ही है और पॉन पॉन जाएगा ही जाएगा। Right. तो आपने क्या करते हैं कि कुछ नहीं, बिशप को निकाल के अच्छे डायगोनल में लाते हैं बाद के लिए, तो बिशप को d8 पे ले, हाँ ठीक है, थोड़ा इज्जत के साथ हारते हैं। मेरे हिसाब से रुक को इसके पीछे लाना चाहिए क्या, हाँ रुक को इसके पीछे ला कर रखना चाहिए। थैंक यू ताई तट, मैं पॉन के सामने, हाँ पॉन के पीछे ले, e6 ले आऊं, अबे वो फिर अटैक कर देगा उधर से H फाइल से, G फाइल से, कुछ बचा ही नहीं भाई अभी करने के लिए, बताओ एक बात बोलो, ओ अगर अब रुक D3 लेगा ना, अब रुक D3 लेगा तो उसका बिशप पीछे जाएगा। अरे ले लो भाई रुक D3, भाई ले लिया भाई रुक D3, हां आप देखना देखना ना, एक एक मिनट अभी, सही है सही है, अब वो चेक देगा या जो भी देगा, हां मार छूट जाएगी अभी वो, चेक देगा पॉन से डिस्कवरी चेक, हां भाई क्लीन कॉमेडी भाई, सॉरी भाई भाई पॉन मार ले भाई, मैं पॉन मारूंगा वो पॉन पुश करेगा e6 और हमारा घोड़ा ले लेगा भाई, देख जाना तो है, जाना तो है, नहीं जा रहा था वो d3 करो d3 नीचे ले आ, फिर किंग नीचे ले आ, फिर रुक मर जाएगा ना भाई, हैं ऊपर रुक मर जाएगा ना यार, वो तो गया, क्या है रुको हताश नहीं होने का है भाई, देखो अपने पास कुछ कुछ है अभी कुछ नहीं, उसका जो पॉन जो जी फाइव पे उसको हम ले सकते हैं अपने घोड़े से अभी, लेकिन अपना रुक जाएगा। एक तरीका है अगर अपने रुक की जगह रुक को बिशप से मतलब डाउन एक्सचेंज चले जाए, अपने पॉन कैप्चर करते हैं फिर बाद में जो चेक होगा उसमें बिशप कैप्चर कर लेंगे और फिर अपना नाइट बचा लेंगे। दो पॉन मिल जाएगा अपने को, दो पॉन तरीका आ गया, Rook to d5, if he pushes pawn, then ghoda comes in front and blocks. But how about we exchange, we rook to, we capture his bishop with our rook, he captures our rook with his rook, we capture his pawn with our knight. Right now he's plus 2, that way he'll become plus 1. Okay, let's do it. सुनना उसका बिशप कब कैप्चर करना, जब वो अरे जब मार दे मार दे, हां सही है ठीक है ठीक है, मार दे उसका पॉन, प्लस 3 होगा ना, वो पॉन तो मार ही ले, अब पॉन तो मार ही ले, अपने पॉन मार ले, ओके स्टिल ले बेटर पोजीशन देन व्हाट ही हैड, चेक दे दे, चेक कहां से, अच्छा चेक दे दे क्या, चलो एक चेक दिया भाई हमने इस गेम में, चलो भाई जीत गए जीत गए भाई, भाई थोड़ा टाइम दे दे, हाँ भाई रिजाइन करने का टाइम आ गया, अब टाइम दे दे, नहीं भाई अभी भी गेम है, कोई गेम नहीं है, हाँ वो तो है
विदित दो लोग आपको बताना पड़ेगा अभी आप उल्टा कर लेते हैं नाउ यू प्ले अस एंड वी विल प्ले यू अबे रिजाइन कर दो अबे यार अबे कुछ नहीं बचा भाई यार गंदा गेम हो गया भाई तो इतना इरिटेशन हो गया भाई मेरे को माइक की वजह से मुझे एक्चुअली पहली बार इतना जीत के बुरा लग रहा है क्यों भाई क्यों तुम लोग इतने डिसअपॉइंट हो गए नॉट पंच नो पंच ब्रो काम करते हैं विदित एक काम करते हैं हम लोग महीने में एक बार खेलते हैं तुम्हारा एक ये होमवर्क है कि तुम पांच जोक लिख के लाओ चेस पे कोई सा भी ओके जैसा वैभव लिख के लाया था और फिर हारो ये दोनों कर लोगे ना बहुत अच्छा कॉमेडी ए बाय द वे जब समय ने अपने स्टोरी पे डाला था कि अगर किसी को चेस पंस देने हैं तो मैं अनाउंस करूंगा सो वन ऑफ द किड्स एक्चुअली सेंट एंड इट वाज डीसेंट आई थिंक इट वाज द क्वेश्चन द पन वाज व्हाट इज द फेवरेट मूव ऑफ पीपल विद ओसीडी इट्स अ चेस टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फेवरेट मूव ऑफ पीपल विद ओसीडी ये बहुत बढ़िया है द आंसर वाज डबल चेक विदित थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग विद अस वी हैव टू गो एंड cry together now yes with it but we stay everyone else say bye to with it one by one thank you so much thank for playing thank you so much bye thank you Upmanyu thank you Biswa thank you Balraj thank with you with it to nikal with it to nikal fir hum asli baat karte hain nahi with it ko rehne do abhi with it ko 2 minute rehne do oh bhai like bahut resist kar raha hu main actually ki mujhe ek famous dialogue yaad aa raha hai kaun sa bhai bolna यही बातें तो बाद में याद आएंगी अरे पोएटिक जस्टिस वेरी नाइस किल 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 ओके भाई मैं निकल रहा हूँ बाय 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 हाँ जाते जाते मैंने विदित के लिए बनाया था अगर अपने विदित को हरा देते तो अपने उसको बोलते वी डिड इट गुजराती नाइस ओके बाय चलो गाइस बाय वैभव सेड ऑल ऑफ अस वेरी वेल प्लेड okay we did not do any silly mistakes yes yeah, so congratulations to us ab analyze karenge game yaar yes good night yeah. good night thank you so much bye, bye. thank you Abhishek Upmanyu good night love you all bhai main bhi disconnect karu kya nahi nahi tu ruk ja bhai acha tu mere thoda dil ka dard abhi mere sath baant bhai main bahut dukhi hu bhai tere se haar ke bhai kya kya haraya bhai tune yaar stream on hai kya ha stream on hai bhai stream on hi rehti hai to ye the hamare gm Vidit chess दोस्तों give a round of applause to Vidit by saying Vidit OP OP का मतलब समझते हो भाई नहीं नहीं OP मतलब ओवर पावर मतलब तूने बहुत ऐसे दहशत मचा दी भाई मजा आ गया भाई ओ बट भाई मैंने एक्चुअली कुछ लोगों को डिसअपॉइंट किया है क्योंकि क्यों? मैंने लाइक कम्युनिटी पोस्ट डाला था ना आपने हाँ. तो लाइक गुजराती मानुस इज कमिंग ऐसा हां तो सम पीपल वर एक्सपेक्टिंग जेठालाल मैं देखा कंटीन्यूअसली लिख जेठालाल आएगा बट ब्रो बट जेन्युइनली और एवरीथिंग असाइड डोंट यू प्ले वेरी वेल मतलब आई हैव सीन योर गेम्स एंड एवरीथिंग एंड यू स्टिल हैव अ लाइक अ लाइफ आउटसाइड चेस लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल बिकॉज़ आई एम नॉट सो सीरियस नो बट यू आर लाइक वर्ल्ड नंबर 20 मैन लाइक यू आर डैम सीरियस अबाउट चेस ऑफ कोर्स नहीं नहीं मतलब जब भी फ्री टाइम रहता है सो आई ट्राई टू यू नो फोटोग्राफी करता है फुटबॉल खेलता है टाइम पास करता है फोटोग्राफी बहुत खराब है मेरी तो पर लाइक फुटबॉल लाइक बाकी स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ बास्केटबॉल ऐसा मुझे हारना पसंद नहीं है दैट्स द प्रॉब्लम बट मतलब आई एम रियली एक्सपेक्टिंग यू टू बी द नेक्स्ट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड लाइक आई हैव ऑलरेडी सीन योर गेम्स विद नाकामुरा दैट यू वन अगेंस्ट वैसे नहीं होगा नहीं नहीं वैसे तो नहीं उसके बाद तो बहुत ऐसे शर्मिंदा हो गया रहेगा बट यू हैव सीन योर डिफीटेड आनंद एंड आई एम प्रीटी श्योर तू इसी तरह जाएगा तो तू मतलब देश का एकदम नाम रोशन कर देगा भाई आई होप यू ऑल द बेस्ट मैन एंड आई रियली विश दैट यू गेट एवरीथिंग यू डिजर्व एंड मोर थैंक यू मजा आ गया भाई खेल के थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग बड़ी मजेदार नाउ वील कीप प्लेइंग नाउ यू इंप्रूव यू हेल्प मी इंप्रूव माय चेस आई विल हेल्प यू इंप्रूव योर कॉमेडी ठीक है और तू नासिक में रहता है ना
अरे तो, तुम नासिक पे शो क्यों नहीं करते मुझे अरे नासिक देखो मराठी आती है क्या भाई आती है ना अरे मला पण मराठी येते राव अपन काय मराठीत बोलू ना भाई मग तू का नाही येत नाशिक मध्ये अरे मी आलो पण तेव्हा ऑडियन्स आली नाही म्हणजे विवेक बागुल है उसका नाम तो अच्छा। हम लोग वहाँ जाते हैं सुला बैक वाटर्स तो इस बार मैं आऊंगा नासिक तो मिलेंगे पक्का अब तो फिलहाल ये लॉकडाउन खत्म हो जाए मोदी जी जब जाने दे तो आता हूँ मैं ठीक है और मजा आया भाई खेल के थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग हैव अ गुड नाइट बाय बाय लव यू ब्रो बाय बाय और अब मैं जाता हूँ अपनी चैट के बारे में चैट कैसा लगा चैट सॉरी टू मेनी फक्स हैपेंड बट लाइफ गोज ऑन फक होता है फिर ठीक हो जाता है अब मैं शांति से रेस्ट करूँगा अप नेक्स्ट वी हैव पबजी विथ युजवेंद्र चाहल जी नॉट टुडे बट हमारे जल्द होने वाला है वो अगले दो तीन दिनों में और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस की मैं पूरी आशा करता हूँ और अब मैं सुपर चैट कैसे पढ़ूँ अरे सुपर चैट तो गायब हो गए कोई बात नहीं सुपर चैट भी गायब हो गए लोग भी गायब हो गए तुम भी गायब हो जाओ और क्या कर सकते हैं